छूटने के बाद एकाएक दूसरी शादी आपके पति द्वारा हो जाती है? हमको फिलहाल कुछ ज्यादा नहीं पता है कैसे क्या दोनों लोग की जी। दोनों लोग वीडियो बनाते थे एक साथ में जी। वीडियो बनाते बनाते वो भैया बनाई थी, वो दीदी बनाए थे मेरे सामने, दीदी भैया बन के बात की। अब मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या किए दोनों लोग। मुझे अचानक में पता चला जब यहाँ चौकी पे बुलाया गया तब वो हमको बताए लोग, फिर भी हमको यकीन नहीं हुआ। हम उसके लिए विष्णु से भी झगड़ा कर लिए थे और वहाँ सब लोग थे उनसे भी झगड़ा कर लिए थे कि मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते हैं। और आज हमें झूठे निकल गए। तो न तो शादी की बात कैसे जानकारी हुई आपको? वीडियो में देखे हैं तो हमको पता चला सुबह में कि मतलब शादी किए हैं। क्या पति आपसे कुछ इस बच्ची को बारे में लेकर के अपने बारे को लेकर क्या कहेंगे उनसे? क्या कहेंगे, मेरी तो जिंदगी जैसे तैसे बीत जाएगी, हम तो अपना कर लेंगे, लेकिन कम से कम वो अपने बच्ची के बारे में सोचे, कहीं भी हो अपने बच्ची के लिए संपर्क करे। क्या उनको अपने बच्ची का भी फिक्र नहीं है? प्रणाम शस्त्रिया का लदाब को लागत नहीं। हमारा नाम भाई अमित प्रताप मिश्र और हम पहुँचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद में। आज एक हफ्ता से सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय बा मालती चौहान और विष्णु राज, जो एक यूट्यूबर बाटा और जेकर लेकर के पतपत्नी की बात ये चर्चाओं का विषय बना हुआ था। बीच में विष्णु राज एकाएक अपने पत्नी मालती चौहान की शादी अर्जुन वर्मा से करवा देता है, जिसको लेकर के अर्जुन वर्मा के परिवार में काफ़ी दिक्कत का सामना लोग कर रहे हैं। माँ बाप पत्नी बच्ची सभी लोग परेशान हैं। और मैं आज अर्जुन वर्मा की पत्नी से बात करूंगा। आप देख सकते हैं अर्जुन वर्मा की पत्नी हमारे साथ है और इनकी भोली सी प्यारी सी ये गुड़िया हमारे साथ है जो अपने पापा का इंतजार कर रही है। वह इस तरह का एक काम किया, एक परिवार को बर्बाद किया, जिसको लेकर के आज हम अर्जुन वर्मा की पत्नी से बात करते हैं। नमस्कार। कैसे क्या हो जाता है 7 साल शादी होने के बाद एकाएक दूसरी शादी आपके पति द्वारा हो जाती है? हमको फिलहाल कुछ ज्यादा नहीं पता है कैसे क्या दोनों लोग की जी। दोनों लोग वीडियो बनाते थे एक साथ में जी। वीडियो बनाते बनाते वो भैया बनाई थी, वो दीदी बनाए थे मेरे सामने, दीदी भैया बन के बात की। अब मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या किए दोनों लोग। मुझे अचानक में पता चला जब यहाँ चौकी पे बुलाया गया तब वो हमको बताए लोग, फिर भी हमको यकीन नहीं हुआ। हम उसके लिए विष्णु से भी झगड़ा कर लिए थे और वहाँ सब लोग थे उनसे भी झगड़ा कर लिए थे कि मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते हैं। और आज हमें झूठे निकल गए। तो न तो शादी की बात कैसे जानकारी हुई आपको? वीडियो में देखे हैं तो हमको पता चला सुबह में कि मतलब शादी किए हैं। क्या पति आपसे कुछ इसके बारे में कुछ बताए थे? नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम था। क्या अपील करना चाहती अपने पति से? क्या कहना चाहती उनसे? उनसे कहना चाहते हैं कि वो अपना जहाँ कहीं भी अपना मोबाइल खोलें और मेरे पास एक कॉल करें या फिर मुझसे संपर्क करें, मुझसे मिलकर बात करें। एकाएक शादी जब किए उसके बाद कभी फोन से बात हुई? नहीं, उसके पहले ही बात हुई थी रात में 9 बजे। उसके बाद फिर नहीं बात हुई। जिस दिन शादी की उसी दिन बात हुई थी? जिस दिन शादी किए थे उसी दिन बात हुआ था। क्या बात हुई थी? बोल रहे थे कि विष्णु हमको इतना सब कुछ कह दिया और हम ऐसे जी नहीं सकते हैं, मेरी बहुत बदनामी हो गई है। तो हम कहें जब ये सब काम कोई करता है, वीडियो वीडियो बनाता है, तो सबकी बदनामी होती है। फिल्म स्टार में सब लोग बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, तो उनको भी तो सब गाली देते हैं फिर पीछे, तो क्या वो लोग जीते नहीं है? सबके ऊपर पड़ता है। जाने दीजिए, कल का मैटर है, सब जब एक बार विष्णु से बात किया जाएगा सब खत्म हो जाएगा। तो आप अपने रास्ते रहिएगा, वो लोग अपने रास्ते रहेंगे। फिर बोल रहे हैं इसका एक ही सलूशन है, अगर हम मालती से शादी कर ले तो विष्णु मेरे ऊपर केस नहीं करेंगे, जो जाति विवाद का हुआ था। तो हम कहें कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आप मालती से शादी कर लेंगे? अरे विष्णु से मिल के बात सब लोग करेंगे, हम लोग रहेंगे, पापा मम्मी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, मिल के बात करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब वो मानेंगे नहीं। तो हम इतना ही बोले, उसके बाद वो फोन काट दिए। फोन काट के उसके बाद नीचे आके गाड़ी लेकर जाने लगे। तो हम अपने देवर के पास फोन किए, हम कहे देखिए भैया कहाँ पर है? तो बोल रहे हैं कि भैया गाड़ी लेके अभी को गए हैं। हम कहें तो हम तब भी हमको नहीं था कि वो शादी करने जा रहे हैं, हमको ये लग रहा था कि वो काली जा रहे हैं, हो सकता है विष्णु के पास जाए भी, कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, हम इस चक्कर में थे। तो हम उनसे बोले कि आप तुरंत उनको निकल के पकड़िए, उनको जाने मत दीजिएगा।
फिर हम वहाँ से आए, हम लोग आए फिर उनको चौराहे पर से पकड़ के घर पर ला रहे थे। घर पे लेके आए तो हमसे बोले कि तुम चली जाओ, हम बहनी को नहीं लेके आए थे, तो बोले कि तुम चली जाओ, हम अभी चले जाएंगे घर पे। तो हम कहे चलिए हम आपको पहुँचा देते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। और सुबह का बात है तो आप जाइए, इतने टाइम खाई पिए सो जाइए और सुबह में देखा जाएगा जो होगा। और विष्णु मान जाएंगे, केस नहीं करेंगे तो अपना हो जाएगा, अगर करेंगे तो आगे देखा जाएगा, हो गया गलती तो उसको करना पड़ेगा कुछ। उसके बाद आ रहे थे तो वही एक रास्ते में ट्रांसफार्म लगाए नीचे, वहीं रुक गए, वहीं खड़े हो गए। तो हम कहे अब आप चले जाइए, तो कह रहे हैं अब तुम चले जाओ नहीं तो हम भी कुछ कर लेंगे। तो उन्हीं को बचाने के लिए बस हम इतना बोले कि आप अभी चले जाइए घर, आपको मालदीव से शादी करना है ना, आप बाद में कर लीजिएगा, सुबह कर लीजिएगा, सुबह यहाँ करेंगे ना, इतने टाइम नहीं ना करेंगे, आप इतने टाइम भी जाइए घर। तो नहीं जा रहे थे, अब से गुस्सा हो रहा था। तो हम कहे ठीक है आपको जो करना है कर लीजिएगा, हम जा रहे हैं, बस हम वही छोड़ के चले आए। उसके बाद फिर ये लोग आए, मालती का गाड़ी आया, दोनों लोग बैठ कर चले गए। तो क्या अपील करेंगे उनसे कि एक बार और बताइए, क्या इस बच्ची को बारे में लेकर अपने बारे को लेकर क्या कहेंगे उनसे? क्या कहेंगे, मेरी तो जिंदगी जैसे तैसे बीत जाएगी, हम तो अपना कर लेंगे, लेकिन कम से कम वो अपने बच्ची के बारे में सोचे, कहीं भी हो अपने बच्ची के लिए संपर्क करें, क्या उनको अपने बच्ची का भी फिक्र नहीं है? जब मामला दोनों का उस दिन कोर्ट गोरखपुर में समाप्त हो गया, पति पत्नी का हर विवाद समाप्त, उसके बाद तो शादी कहाँ कर लिए? अब वो लोग तो वही जानेंगे कि उसके बाद कहाँ शादी कर ली। अगर मालती को शादी करना था तो गोरखपुर कोर्ट तक क्यों पहुंची है? कोर्ट तक पहुंचने के बाद मामला वहाँ सॉल्व हो गया था, सॉल्व हो गया था, अगर ये हुआ था हम लोग वहाँ पे थे, शादी करना था इनसे तो फिर पहुंची, क्यों नहीं जाना था? ये चाहता पहले ही बता देना चाहिए था, हम इनसे शादी करेंगे। उसमें कोर्ट में यह लिखा गया, पीछे यह लिखा गया था कागज में कि अब मालती चौहान विष्णु के साथ रहेगी और सारा खर्चा वो विष्णु देखेगा और अर्जुन से हमारा कोई वास्ता नहीं। उसके बाद कैसे ये सब कर लिए? अब ये वही जानेगी, मालती जानेगी कैसे कर ली, हमको नहीं पता है। ये देखिए भैया, ये आंसू, ये पत्नी की आंसू और बच्चे का मासूमियत सबको झकझोर देगा, क्योंकि एक पति कैसे दूसरी शादी कर लिया और पत्नी और बच्चे के रहते हुए माँ बाप घर पे इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन वर्मा जहाँ भी कहीं भी हो, मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो अपने माँ बाप भाई बहन और पत्नी और बच्चे की खुशी के लिए घर आ जाए। और पत्नी कह रही है कि एक बार जरूर हमसे या फोन से बात करें या चाहे जहाँ मिल बुला करके मुझसे बात कर लें, जो भी हमारा कष्ट था, 7 साल का जो प्रेम का बंधन था उसको आज तक आप निभाते चले आए, विश्वास बनाते आ गए, एकाएक क्या कमी हमने कर दिया कि हमारे साथ आपने विश्वासघात किया और बच्चे और मासूम बच्चे और हमें और माँ बाप को छोड़कर के इतना बड़ा कदम उठा लिया। चाहे जहाँ हो अर्जुन वर्मा, जरूर अपने घर पे आ जाओ, सब परिवार के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी हर गलती को माफ कर देंगे। बने रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।